एक तनख्वाह से कितनी बार टैक्स दूं और क्यों? जवाब है, मैंने 30 दिन काम किया, तनख्वाह ली, टैक्स दिया, मोबाइल फोन खरीदा, टैक्स दिया, रिचार्ज किया, टैक्स दिया, डेटा लिया तब टैक्स दिया, बिजली ली फिर टैक्स दिया, घर लिया टैक्स दिया, टीवी फ्रिज आदि लिए टैक्स दिया, कार ली टैक्स दिया, पेट्रोल लिया फिर टैक्स दिया, सर्विस करवाई टैक्स दिया, रोड पर चला फिर भी टैक्स दिया, टोल पर फिर टैक्स दिया, लाइसेंस बनवाया टैक्स दिया, गलती की तो टैक्स दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाया तो टैक्स दिया, पार्किंग का टैक्स दिया, पानी लिया उस पर टैक्स दिया, राशन खरीदा उस पर भी टैक्स दिया, कपड़े जूते किताबें ली उस पर भी टैक्स दिया, टॉयलेट गया उस पर भी टैक्स दिया, दवाई ली तो भी टैक्स दिया, गैस ली टैक्स दिया, सैकड़ों और चीजें ली और टैक्स दिया, कहीं फीस दी, कहीं बिल, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर, पैसे देने ही पड़े। ये सब ड्रामे के बाद गलती से सेविंग में बचा लिया तो फिर टैक्स दिया। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई पेंशन नहीं, 5 साल के MP MLA रहते तो बात और थी, कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, सड़कें खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, हवा खराब, पानी खराब, फल सब्जी जहरीली, हॉस्पिटल महंगे, हर साल महंगाई की मार, आकस्मिक खर्चे व आपदाएं, उसके बाद हर जगह लाइनें, सारा पैसा गया कहाँ? करप्शन में, इलेक्शन में, अमीरों की सब्सिडी में, माल्या जैसों को भगाने में, अमीरों के फर्जी दिवालिया होने में, स्विस बैंकों में, नेताओं के बंगले और कारों में, और हमें झंडू बम बनाने में। अब किसको बोलूं कौन चोर है? आखिर कब तक हमारे देशवासी यूं ही घिसटते जिंदगी जीते रहेंगे? मैं जितना देश और इस पर चिपके परिजीवियों के बारे में सोचता हूँ परेशान हो जाता हूँ। समय आ गया है कि किसी की भी भक्ति से बढ़कर देश और देशवासियों के बारे में सोचे। प्लीज इस वीडियो को शेयर करके देश के हर नागरिक तक पहुँचाएं। धन्यवाद।